हेलो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने ये अंडर द टेबल पीसी का मैंने वीडियो अपलोड किया था, जो आपने देखा होगा। अब इस टेबल में मैं यूएसबी होल्डर अटैच कर रहा हूँ। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मेरी जो हार्ड डिस्क है वो ऐसे लटकती रहती है जब मैं इसको टेबल को उल्टा रखता हूँ तब। तो मैं ये होल्डर अटैच कर रहा हूँ, आप देखिए कैसे मैं अटैच करता हूँ। तो ये पहले ये हार्ड डिस्क का ही होल्डर था, मैंने एक पुरानी हार्ड डिस्क से निकाला था। आप देख सकते हैं अच्छी तरह ये फिट हो रहा है। तो इसको मैं ऐसे लगा दूंगा, इसलिए मेरी हार्ड डिस्क अब ऐसे हवा में उल्टी लटकी रहेगी, नहीं नहीं लटकी रहेगी। पहले मैं देख लेता हूँ जगह का, किस जगह ये अच्छी तरह फिट होगी। तो आप देख सकते हैं ये जगह सबसे चाहिए सही रहेगी क्योंकि साटा केबल भी यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा और ये साटा पावर केबल भी अच्छी तरह कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे हो गई। आप देख सकते हैं डिस्क कितने अच्छे से फिट हुई, जरा हिल भी नहीं रही। पहले कैसे उल्टी लटक रही थी। तो ये रहा हमारा साटा केबल, जिसे मैं यहाँ अटैच कर दूंगा। और ये हमारा साटा पावर केबल, इसको भी मैं यहाँ अटैच कर दूंगा। हो गया। एक बार मैं आपको पूरा टेबल अच्छे से दिखा देता हूँ। एसएमपीएस और ये केबल जो मैंने पुराने एसएमपीएस के केबल काट कर इसमें एक्स्ट्रा लगा दिए, जिससे ये केबल की लेंथ बहुत लंबी हो गई। ये अभी लगाई हमने वो हार्ड डिस्क, ये मदरबोर्ड, मदरबोर्ड को भी मैंने ये स्क्रू से कनेक्ट कर दिए, अटैच कर दिया। आप देख सकते हैं स्क्रू, एक मिनट थोड़ा अंदर।
ये आप देख सके तो मैंने स्क्रू को कैसे अटैच किया, आप देख सकते हैं। ऐसे स्क्रू आपको चाहिए तो जो कैबिनेट होता है पीसी का उसमें से आपको मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।